अस्सलाम वालेकुम। हम इसके यूकेस डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया के। सो 26 ईयर्स ओल्ड मेल आफ्टर हिज विजिट टू अफ्रीका वाज ब्रॉट विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर फॉर द लास्ट 5 डेज फॉलोड बाय फिट्स, मतलब CNS इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है अलॉन्ग विद द फिट्स। हिज फीवर वॉज एसोसिएटेड विद शिवरिंग वाइल रीचिंग इट, मतलब राइगर्स एंड चिल्स के साथ एसोसिएटेड है। स्पाइक ऑन एग्जामिनेशन BP 110/70, टेम्परेचर बताया अगर उन्हें ज़्यादा हुआ है, RBS है, माइल्डली जॉन्डिस्ट, साइंस ऑफ मेनिनजियल इरिटेशन नेगेटिव, मतलब मेनिनजाइटिस नहीं है। हिज लंबर पंक्चर वॉज नॉर्मल बट हिज क्रिएटिनिन वॉज रेज्ड एंड यूरिया वॉज रेज्ड, मतलब किडनीज की इन्वॉल्वमेंट भी है। कंप्लीट CBC जो है वो उसमें हीमोग्लोबिन कम मिला है, मींस अनीमिया भी मिला है। सो राइगर्स एंड चिल्स आपको बता रहे हैं, फिट्स आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा जो है साइंस ऑफ मेनिनजियल इरिटेशन नेगेटिव आपको बता रहे हैं, और अनीमिया आपको बता रहा है राइगर्स एंड चिल्स के साथ जो फीवर था वो भी, के ये सेरिब्रल जो है मलेरिया है। और किडनी जो है उसमें ये है कि ब्लैक वाटर भी फीवर भी साथ में हो सकता है। सो दिस इज़ सेरिब्रल फीवर विद ब्लैक वाटर मैनिफेस्टेशन। सो हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आप सपोर्टिव मैनेजमेंट लिखोगे और फिर आप जो है इसकी ट्रीटमेंट लिखोगे पूरा। सो मैं उसकी थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। देखें, जनरल में आप लिखोगे कि वो सारा कुछ के जो उसकी प्रॉब्लम है, फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, डिहाइड्रेशन है तो IV फ्लूइड्स, वो सब कुछ जनरल ट्रीटमेंट। फिर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जो इसका स्पेसिफिक है वो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है, सेंसिटिव है तो क्लोरोक्वीन देंगे। क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है तो हम आर्टीमेथर दे सकते हैं, क्विनीन दे सकते हैं, मैफ्लोक्वीन दे सकते हैं, आर्टीसुनेट दे सकते हैं, मेलारॉन दे सकते हैं। अगर सेरिब्रल मलेरिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले IV फ्लूइड्स देंगे, करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे, देन आर्टीसुनेट हम देते हैं IV इसमें सेरिब्रल मलेरिया के केस में, वंस डेली फॉर 7 डेज 2.4 mg/kg का जो है ना IV इंजेक्शन देते हैं आर्टीसुनेट का। देन क्विनीन सल्फेट हम देते हैं 20 mg/kg और मॉनिटर करते रहते हैं साथ साथ ECG को, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं, और फिर जो है जब बहुत ज़्यादा कम जो है हो जाए, बहुत ज़्यादा एनीमिया स्पीयर हो जाए, और फिर अवॉइडेंस करते हैं ऑफ द हार्मफुल एंड सिलिडी ट्रीटमेंट। तो ये हमारा जो है इसका ट्रीटमेंट होगा। और जो नॉन फॉल्सी पैरा मलेरिया उसके लिए हम क्लोरोक्वीन और प्रिमाक्वीन देते हैं। इस तरह से आप इसकी मैनेजमेंट लिखोगे, सपोर्टिव और स्पेसिफिक। और फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड सेरिब्रल मलेरिया तो उसके लिए हम कैसे उसको लेके जाएंगे, उसमें आपने आर्टीसुरेट नहीं भूलना, क्विनीन नहीं भूलना। 35 ईयर्स ओल्ड विलेज ड्वेलर डेवलप्स प्रेजेंट्स विद अ हाई ग्रेड फीवर फॉर 5 डेज। सो क्या है, 35 ईयर्स ओल्ड प्रेजेंट्स विद द हाई ग्रेड फीवर फॉर 5 डेज ड्यूरेशन एंड इज़ ब्रॉट टू एमरजेंसी इन ड्राउजी स्टेट। ही डज नॉट हैव नेक रिजिडिटी एंड हिज लंबर पंक्चर रिपोर्ट्स ऑल्सो नॉट सजेस्ट द बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। टेम्परेचर उसका देखिए ज़्यादा हुआ है, पेल है विद माइल्ड जॉन्डिस और अनकॉन्जुगेटेड जो है वो बिलीरुबिनीमिया हुआ है। थिक एंड थिन फिल्म्स वर सेंट टू लेबॉरेटरी। तो थिक एंड थिन फिल्म्स आपके मलेरिया में ही होते हैं, और ये डायग्नोसिस क्या होगा, सेरिब्रल मलेरिया होगा। और व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर डायग्नोसिस प्रेजेंट इन दिस पेशेंट, कॉम्प्लिकेशन क्या है, हिमोलिसिस हो रही है जिसकी वजह से जॉन्डिस और फीवर वगैरह हो रहा है। और फिर व्हाट कॉम्प्लिकेशन हो गया, विच यूरिन एबनॉर्मलिटी में अकर एंड व्हाट इज़ नाउन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर। यूरिन एबनॉर्मलिटी क्या होगी, ब्लैक वाटर फीवर। और फिर कहते हैं टू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आपने लिखने हैं, तो आप लिखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया, क्विनीन एंड आर्टीसुनेट, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आता है 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स टू यू इन OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ इंसीडियस ऑनसेट ऑफ मलेज, हेडेक, माइल्ड कफ एंड हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, माइल्ड जॉन्डिस एंड हाइपरटेंसिव गैली। उन्होंने खुद ही बता दिया मलेरिया, लेकिन इसमें जो मलेरिया के आ रहे ना फीवर, राइगर्स एंड चिल्स, ये थोड़ा सा लेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया है। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस जो आप करोगे टू डायग्नोज द मलेरिया, वो मैंने आपको बताया था कि कौन से करते हैं,
लाइक इसमें आप CBC वगैरह करवा लोगे जो जनरल थी, फिर थिक एंड थिन फिल्म है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट हैं जिसमें ऑप्टिमल है और पैरासाइट एफ है ठीक है। ऑप्टिमल जो है वो डिटेक्ट करता है प्लाज्मोडियम का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपने याद रखना है, ये ना इरफान मसूद में लिखा हुआ है, तो ये MCQs में भी पूछ सकते हैं। प्लाज्मोडियम का जो इंजाइम होता है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको डिटेक्ट करता है ऑप्टिमल, और पैरासाइट एफ जो होता है ये डिटेक्ट करता है प्लाज्मोडियम जो फ्लाजिपैरम के अंदर ना एक प्रोटीन होती है हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, उसको डिटेक्ट करता है पैरासाइट एफ। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। मलेरिया की एंटीजन के लिए इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करवाते हैं ऑप्टिमल एंड पैरासाइट एफ। ऑप्टिमल LDH को डिटेक्ट करता है, पैरासाइट एफ जो है वो हिस्टिडीन रिच प्रोटीन होती है फॉल्सिपैरम को, उसको उसकी डिटेक्शन करती है, ठीक हो गया। और थिक एंड थिन फिल्म का मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा PCR करवा सकते हैं, ELISA वगैरह करवा सकते हैं, वो सारी जो इन्वेस्टिगेशंस बताई थी मैंने। देन आते हैं सिक्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लाज्मोडियम फॉल्सिपैरम। तो सिक्स कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी, फॉर एग्जांपल CNS में क्या हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया सीजर्स हो सकते हैं, ब्लड में क्या हो सकता है, एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कोगुलोपैथी हो सकती है, रीनल में क्या हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हीमोग्लोबिन यूरिया एक्यूट रीनल फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर में क्या हो सकता है, एल्जिड मलेरिया कार्डिक फेलियर हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा या निमोनिया हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल। एब्डोमेन में क्या हो सकता है, स्पिनोमेगैली जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक हो गया। और फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीट द कॉम्प्लिकेटेड फॉल्सिपैरम मलेरिया, तो इसका मैंने आपको बता दिया था, IV फ्लूइड्स देंगे, एयरवे सपोर्ट देके, इलेक्ट्रोलाइट एसिड वेट बैलेंस करेंगे, आर्टिसोनेट क्विनीन देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, और ये सारी इसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी। देन 60 ईयर्स ओल्ड विलेजर इज़ ब्रॉट टू यू with altered sensorium for the last 2 days, मतलब उसके CNS involvement है following 8 days, high grade intermittent fever associated with rigors and chills, और जो है वो दरमियान में बिल्कुल ठीक हो जाता है, इज़ नाउ डायबेटिक एंड हाइपरटेंसिव ऑन इरेगुलर मेडिकेशन, grade 1 coma है विद टेम्परेचर ऑफ 104 एंड मार्क्ड इरिटेबिलिटी, माइल्ड स्पिनोमेगैली हुई भी है इसको, पेलर है, स्फ्लाइट जॉन्डिस है और मेरिंजियल इरिटेशन के साइंस आ रहे हैं, और उसके प्रीवियस डॉक्टर ने जो है उसको ट्रीट किया सिप्रोफ्लॉक्सिसिन क्लोरोक्विन और सिफोटेक्सिम के साथ, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो नहीं ठीक हुई, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें आप कंसिडर कर सकते हो कि इसको या तो मेनिनजाइटिस है या फिर इसको जो है वो है सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। सिंपल ब्लड टेस्ट जो है इसका आप दोगे कि व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक, सो इसमें जो 2 likely डायग्नोसिस होंगे ना, इसमें मैं और भी आपको डिटेल्स बता देती हूँ सेरिब्रल मलेरिया के, एक तो सेरिब्रल मलेरिया है, पायोजेनिक मेनिनजाइटिस, लेड इंसेफेलोपैथी, हीट स्ट्रोक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें जो होगा वो जेम्सा स्टेन थिक और थिन फिल्म होगा, और अगर आपको पता चल जाता है मलेरिया है तो फिर आप उसको उसी तरह ट्रीट करोगे जो हमने पहले देखा, ठीक हो गया। फिर आता है 26 ईयर्स ओल्ड फीमेल इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी वार्ड इन एन अनकॉन्शियस स्टेज, शी इज़ हैविंग जनरलाइज फिट्स, हाइगर फीवर, राइगर्स और स्वेट्स वगैरह हैं, फीवर कंटिन्यूस है, और उसके अलावा जो है उसमें पल्स देख लें, BP है, ESR में सब कुछ। तो डायग्नोसिस इसका क्या होगा, सेरिब्रल मलेरिया ही होगा, कॉम्प्लिकेशंस लिख देनी है और 4 स्पेसिफिक ड्रग्स लिखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द UQs फ्रॉम द मलेरिया टॉपिक।